नमस्कार, कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश में आपका स्वागत है और मैं आपके साथ प्रिया बिष्ट। अब वक्त हो चला है ऐसे मुद्दों पर विस्तार से बात करने का जो जनता, राज्य, देश और पूरी दुनिया पर असर डालते हैं। शारदीय नवरात्रि में चारों ओर माता के जयकारे लगे तो वहीं कई जगह से ऐसी खबरें सामने आई जिनसे माहौल खराब हो रहा है। जहां ताजा मामला कौशाम्बी से सामने आया, जहां कौशाम्बी में माँ दुर्गा के विसर्जन के जुलूस पर हमला हुआ। वही कुछ दिन पहले लखनऊ से एक मामला सामने आया था जहां मां दुर्गा की मूर्ति को तोड़ दिया गया, जिस पर अब पुलिस ने तगड़ा एक्शन लिया है और आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। वही इसी के साथ देश के कई इलाकों से ही ऐसी ही खबरें सामने आ रही हैं। तो क्या कुछ है पूरा मामला, चलिए आपको विस्तार से स्पेशल स्टोरी में बताते हैं। दुर्गा माँ का किया अपमान, मुस्लिम भीड़ ने किया हमला, पुलिस का तगड़ा एक्शन, 28 पर दर्ज किया मुकदमा। लखनऊ के थाना कैंट अंतर्गत मरी माता के मंदिर में माता की मूर्ति को खंडित करने वाले को गिरफ्तार कर लिया गया है। कैंट पुलिस ने अभियुक्त सुनील राजपूत को सीसीटीवी फुटेज के आधार पर गिरफ्तार किया। पूछताछ में आरोपी ने खुद को नशे का आदी बताया है। नशे की लत पूरी करने के लिए युवक मंदिर में आने वाला चढ़ावा चुराने पहुंचा था, न मिलने पर उसने प्रतिमा तोड़ दी। घटना में लापरवाही के चलते डीसीपी ने दो सिपाहियों को भी निलंबित कर दिया है। आपको बता दें कि लखनऊ के नीलमथा में मंदिर में स्थापित माँ दुर्गा की प्रतिमा को उपद्रवियों ने खंडित कर दिया था। माता के चार हाथों को मशीन से काट दिया गया था। इसकी जानकारी मिलते ही बड़ी संख्या में लोग मंदिर पहुंच गए। हालात को देखते हुए प्रशासन ने भारी पुलिस बल तैनात किया। पुलिस ने लोगों के गुस्से को देखते हुए अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर मामले की जाँच की। जाँच के दौरान फुटेज की मदद से पुलिस को संदिग्ध नजर आया। शनिवार को पुलिस ने नीलमथा टेम्पो स्टैंड निवासी सुनील राजपूत को फिर गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ में उसने बताया कि बीते गुरुवार को भी रुपए चुराने के लिए वो गया था, पर रुपए ना मिलने की वजह से उसने मूर्ति को तोड़ दिया, खंडित कर दिया। कैंट थाना क्षेत्र के नीलमथा में मरी माता मंदिर में माँ दुर्गा की प्रतिमा स्थापित की गयी, लेकिन गुरुवार 10 अक्टूबर 2024 की सुबह मंदिर के पुजारी जब पूजा करने पहुंचे तो उन्होंने देखा प्रतिमा के हाथ कटे हुए थे। उपद्रवियों ने एक ग्लेडर मशीन से प्रतिमा का हाथ काट दिया है। इसके बाद पुजारी ने घटना की जानकारी स्थानीय लोगों को दी। सूचना मिलते ही वहां भीड़ जमा हो गई और लोग आक्रोशित हो गए। गुस्साए लोगों को शांत कराते हुए पुलिस ने आरोपियों को 4 दिनों में पकड़ने का आश्वासन दिया। वहीं मंदिर में विधि विधान से दूसरी प्रतिमा लगाई गई। इस मामले में पुलिस ने जाँच की। आरोपियों की पहचान के लिए आसपास के सीसीटीवी फुटेज खंगाले गए। वहीं स्थानीय लोगों का कहना था कि लखनऊ में विपक्षी और विधर्मी माहौल खराब करने का काम कर रहे हैं। लगातार दूसरे दिन हिंदुओं की भावनाएं आहत की गई हैं। बाजार खाला में मंदिर के बाहर विधर्मी महिला द्वारा मांस के टुकड़े फेंके गए, फिर मंदिर में प्रतिमा के हाथ काट दिए जाते हैं। आपको बता दें कि इससे पहले बुधवार 9 अक्टूबर 2024 को शहर के बाजार खाला थाना क्षेत्र स्थित एक मंदिर के बाहर मांस के टुकड़े पड़े मिले थे। इसकी जानकारी मिलते ही लोगों ने हंगामा शुरू कर दिया था। पुलिस की जांच में सामने आया कि मांस का टुकड़ा कोई कुत्ता लेकर आया था। इस मामले में अलीमा नाम की एक महिला को गिरफ्तार किया गया। जांच में सामने आया कि इलाके में रहने वाली अलीमा नाम की महिला मीट की दुकान से मांस लाकर कुत्तों को डालती थी। वही नवरात्रि के दौरान भी उसने ऐसा ही करना जारी रखा। आखिरकार पुलिस ने महिला के खिलाफ एफआईआर दर्ज करके उसे गिरफ्तार कर लिया। वही हाल ही में उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी जिले में मां दुर्गा के विसर्जन जुलूस पर हमला हुआ। इस हमले में जुलूस में शामिल महिला श्रद्धालुओं को भी निशाना बनाया गया। हमले के दौरान तलवारें लहराई गई और पत्थरबाजी हुई। घटना में कई श्रद्धालुओं को चोटें आने की खबरें हैं। आरोप है कि जैसे ही जुलूस मेहताब नाम के व्यक्ति के घर के पास पहुंचा, जुलूस पर पथराव शुरू हो गया। ये पथराव छतों से हो रहा था। कई हमलावर हाथों में तलवार लेकर नीचे आ गए। शनिवार 12 अक्टूबर 2024 को हुए इस हमले का आरोप मुस्लिम समुदाय के लगभग एक दर्जन लोगों पर लगा है, जिसमें खातूने भी शामिल है। माँ दुर्गा की प्रतिमा को भी क्षतिग्रस्त कर दिया गया और एक महिला से दुष्कर्म की भी कोशिश की गई। पुलिस ने केस दर्ज करके जांच शुरू कर दी है। ये घटना कौशाम्बी जिले के थाना क्षेत्र मजनपुर की है। यहाँ शनिवार को मनदीप कुमार ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है। शिकायत में मनदीप ने बताया कि हर साल की तरह इस बार भी वो माँ दुर्गा की प्रतिमा का विसर्जन करने कई श्रद्धालुओं के साथ तय मार्ग से जा रहे थे। जुलूस में महिला श्रद्धालु भी शामिल थी, जो भक्ति भाव से गुलाल आदि उड़ा रहे थे। जैसे ही ये जुलूस भजनपुर के इमाम चौक के पास पहुंचा, वहां मौजूद मुस्लिम समुदाय के कुछ लोग इमाम बाड़ा चबूतरा पर गुलाल लग जाने का आरोप लगाकर विवाद करने लगे। आरोप है कि मेहताब नाम के व्यक्ति के घर के पास पहुंचते ही जुलूस पर पत्थरबाजी होने लगी। ये पथराव छतों से हो रहा था।
जुलूस में शामिल कुछ हिंदुओं को जाति सूचक शब्द बोलकर कई हमलावर नीचे आए, जिनके हाथों में तलवारें दिख रही थी। मनदीप का दावा है कि हमलावरों ने मां दुर्गा की मूर्ति को पैरों से मारकर क्षतिग्रस्त कर दिया और उस पर थूकने लगी। एक महिला श्रद्धालु को कुछ हमलावर दुष्कर्म की नीयत से खींचकर अपनी तरफ ले जाने लगे, जैसे तैसे वो बच पाई। देखिए, ये मंझनपुर थाना क्षेत्र के बलीपुर गांव की घटना है। आज अभी मूर्ति विसर्जन के दौरान एक इमाम चौक पे हल्का सा गुलाल पड़ गया था, जिसको लेकर के दूसरे समुदाय के लोगों ने इतराज किया था। उस पर आपस में इन लोगों में कहासुनी हुई और थोड़ा बहुत मारपीट भी हुई है। हम लोग तत्काल यहाँ आसपास ही थे, मैं और जिलाधिकारी तत्काल मौके पर आ गए थे, अन्य अधिकारी भी मौके पर आ गए थे। वर्तमान में स्थिति पूरी तरीके से शांति है और इस मामले में हम लोग FIR दर्ज कर रहे हैं और जो दोषी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। नहीं, एक को हल्की सी किसी चीज़ की चोट आई है, लेकिन ऐसा कोई घायल की स्थिति गंभीर या कोई बहुत गहरी चोट नहीं। शिकायत में मुख्य हमलावरों के तौर पर गुलाम वरिस, सईद अहमद, रहमान अली, हशमत अली, करीम समीर, समद जलील, मुनवर सगीर, खलील, शमी मोहम्मद, इदरिश मोहम्मद, आशिक अलफैज आदि के नाम बताए जा रहे हैं। इन हमलावरों के कुछ मुस्लिम महिलाएं भी शामिल बताई जा रही हैं। इन खातूनों में महताब की बीवी सोनी, रहमान की बेगम बानो के साथ समीर, करीम और जलील की भी बीवियां शामिल हैं। इन हमले में महिलाओं के साथ साथ लगभग आधे दर्जन श्रद्धालु घायल हुए हैं। हिंसा के बाद एक पीड़ित श्रद्धालु का वीडियो भी वायरल हो रहा है। इस वीडियो में एक लड़की को हमले के चलते रोते हुए देखा जा सकता है। युवक का आरोप है कि उन्हें न सिर्फ मुस्लिमों के हमले बल्कि उसी के साथ पुलिस के लाठीचार्ज का भी शिकार बनना पड़ा। कौशाम्बी पुलिस ने विवाद की बात स्वीकार करते हुए बताया कि मामले में FIR दर्ज करके जरूरी कार्रवाई जारी है। वहीं ऐसी घटना ये कोई पहली बार नहीं है, इससे पहले भी ऐसी घटनाएं सामने आ चुकी हैं। दुर्गा पूजा में माहौल बिगाड़ने की कोशिश गोंडा जिले में भी की गई। गोंडा के छपिया थाना क्षेत्र अंतर्गत मस्कनवा बाजार में देर रात कुछ अराजक तत्वों ने दुर्गा पूजा के दौरान माहौल बिगाड़ने की कोशिश की। मौके पर जमकर ईंट पत्थर बरसाए, जहां पर देर रात मां दुर्गा की पट्टी हटाए जाने पर किए जा रही आतिशबाजी से नाराज होकर उपद्रवियों द्वारा जमकर पथरावबाजी की गई। मौके पर पहुंचे DM और SP द्वारा किसी तरीके से लोगों को समझा बुझाकर मामला शांत करवाया। छपिया थाने की पुलिस द्वारा एक दर्जन से ज्यादा लोगों के खिलाफ गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज कर पूरे मामले की जांच भी शुरू कर दी है। ये पूरी घटना गोंडा जिले की है, जहां जमकर ईंट पत्थर चलाए गए। बताया जा रहा है कि असलम सुल्तान और मुन्ना नाम के व्यक्तियों ने अपने परिवार के साथ मिलकर हिंदू समाज के लोगों से गाली गलौज की और हमला किया। स्थानीय लोगों के मुताबिक मस्कनवा बाजार में हर साल लालजी गुप्ता द्वारा मां दुर्गा की प्रतिमा स्थापित की जाती है। इस साल जब देर रात प्रतिमा की पट्टी खोली गई और आतिशबाजी की गई, तब मुस्लिम समुदाय के लोग इसका विरोध करने लगे। इस विरोध ने जल्दी हिंसक रूप ले लिया और पथराव शुरू हो गया, जिसे पूजा का माहौल खराब हो गया। प्रशासन ने तुरंत कार्रवाई करते हुए स्थिति पर नियंत्रण पाया और पुलिस ने इलाके में सुरक्षा बढ़ा दी, ताकि भविष्य में ऐसी कोई घटना ना हो। पथराव की इस घटना में दर्जनों लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। मौके पर पहुंची पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए स्थिति को काबू में किया। DM नेहा शर्मा और पुलिस अधीक्षक विनीत जायसवाल ने मौके पर पहुंचकर दोनों पक्षों को समझाकर मामले को शांत कराया। पुलिस ने मामले में एक दर्जन से अधिक लोगों के खिलाफ गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। वहीं ऐसी ही खबर कुशीनगर से सामने आई, जहां कुशीनगर में बीते सोमवार को दुर्गा प्रतिमा स्थापना की शोभा यात्रा निकाली गई, लेकिन इसी दौरान बड़ा बवाल शुरू हो गया। शोभा यात्रा में माता रानी के भजन को लेकर विशेष समुदाय के एक युवक से विवाद शुरू हो गया, जिसके बाद दो समुदाय में पथराव होने लगा। हिंदू पक्ष का आरोप है कि मुस्लिम समुदाय के युवकों ने माता रानी को भी नहीं छोड़ा और प्रतिमा में बने शेर को क्षतिग्रस्त किया। बडरौना कोतवाली क्षेत्र में हुई इस घटना के बारे में जब सूचना मिली तो ASP CO के साथ भारी पुलिस बल मौके पर पहुंचा और हालात को काबू किया। इस घटना के बाद कई लोगों को गिरफ्तार भी किया गया है। इस पूरे मामले में आपकी क्या राय है, कमेंट कर जरूर बताएं। स्पेशल स्टोरी में फिलहाल के लिए इतना ही, फिर पेश होंगे नए मुद्दे के साथ। बाकी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए Capital TV उत्तर प्रदेश। नमस्कार। मैं राजनीति करता नहीं, पर राजनीति को बहुत गहरे तक समझता हूँ। मैं लोगों के बीच रहता हूँ, लोगों के मन को अच्छे से जानता हूँ। पब्लिक और पॉलिटिक्स की हर नब्ज को खूब पहचानता हूँ।
संघर्ष की सियासत से सत्ता के सिंहासन तक मैं हर खबर से खरा सच निकालता हूं। ना कोई दौड़ ना कोई रेस, कैपिटल बी, उत्तर प्रदेश।